कैप्टन अमरिंदर सिंह ने रेत और नशा माफियाओं के नामों का खुलासा करने की बात क्या कही, पूरी कांग्रेस बौखला गई। बौखलाहट इतनी बड़ी कि नवजोत सिंह सिद्धू से लेकर हर छोटा बड़ा नेता कैप्टन पर हमलावर हो गया। नवजोत सिंह सिद्धू ने तो कैप्टन को लेकर मर्यादाओं की सारी सीमाएं ही तोड़ डाली। नवजोत सिंह सिद्धू के साथ साथ तीन कैबिनेट मंत्रियों अमरिंदर सिंह राजावडिंग, परगट सिंह और भारत भूषण आशू ने भी कैप्टन को निशाने पर लिया। सिद्धू ने तो कैप्टन पर व्यक्तिगत रूप से अमर्यादित टिप्पणियां की और उनको फ्रॉड, रोंदू और ना जाने क्या क्या कह डाला। इतना ही नहीं, सिद्धू ने कैप्टन की पत्नी परनीत कौर के बारे में भी अभद्र टिप्पणी कर डाली। सिद्धू की सारी बौखलाहट इस बात को लेकर थी कि कहीं कैप्टन रेत और नशे के अवैध कारोबार में लगे मंत्रियों और विधायकों के नाम सार्वजनिक न कर दें। कांग्रेस के अमृतसर से सांसद गुरजीत औजला ने कैप्टन से अवैध रेत और बजरी खनन में शामिल कांग्रेस के मंत्रियों और विधायकों का नाम बताने को कहा। बता दें कि दिलचस्प ये है कि सोनिया गांधी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर व्यक्तिगत हमला न करने का निर्देश दिया है, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू सोनिया गांधी के आदेशों को कितना महत्व देते हैं ये तो सबको पता है। इसी वजह से जब सिद्धू बोलने लगे तो पीछे पीछे कई नेता भी सामने आ गए। कैप्टन अमरिंदर सिंह पर जुबानी हमले करते हुए सिद्धू शब्दों की मर्यादा भूल गए। उन्होंने कहा कि भाजपा ने साफ कर दिया कि हम कैप्टन को हाथ नहीं लगाएंगे, अगर ऐसा किया तो मिट्टी हो जाएंगे। कैप्टन चले हुए कारतूस हैं, जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है वह रोंदू हो जाता है। अलग पार्टी बनाने से कुछ नहीं होगा, उनका साथ तो उनकी पत्नी भी नहीं देती। कांग्रेस का एक पार्षद भी कैप्टन के साथ नहीं जाएगा। पंजाब के लोग दो नेताओं से नफरत करते हैं, एक गप्पा दा सरताज बादशाह और दूसरा कैप्टन। सिद्धू ने कहा कि मैंने कभी शिकायत नहीं की, हाँ शिकस्त जरूर देता हूँ। सिद्धू ने अवैध रेत और बजरी खनन पर कहा कि मैंने कैप्टन को सुझाव दिया था कि रेट फिक्स कर दो, लेकिन वे माने नहीं। कैप्टन को अगर माफिया के बारे में पता था तो वो अब तक चुप क्यों रहे, ये बुजदिली थी। नए मुख्यमंत्री के साथ चर्चा करके रेत और शराब पर नई नीति बनाई जाएगी, इससे पंजाब का खजाना भरने लगेगा। परिवहन मंत्री राजा वडिंग ने एक दिन में ही 50 लाख कमा कर दिखाए हैं। राजा वडिंग ने बादलों के समय से चले आ रहे ट्रांसपोर्ट माफिया को कुचलने का काम शुरू किया है। अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ को गले लगाने फोटो शेयर करते हुए कैप्टन के लिए लिखा। अपने त्याग पत्र में सिद्धू और जनरल बाजवा की बात कही। आप जिनसे सीट बंटवारे की बात कर रहे हैं वह किसान विरोधी हैं। परगट सिंह ने लिखा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की नई पार्टी न तो पंजाबियों के लिए है, न ही लोक के लिए, और निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए भी नहीं। अमृतसर से कांग्रेस सांसद गुरजीत औजला ने ट्वीट कर कहा कि पूरी दुनिया में बसे पंजाबियों के साथ मैं भी नशा और रेत माफिया से जुड़े नाम जानना चाहता हूँ। रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया। असम में कांग्रेस बीजेपी के हाथों 5-0 से क्या हारी, असम कांग्रेस में भगदड़ मचने लगी। कांग्रेस के सांसद रिपुन बोरा ने पार्टी को साफ तौर से आत्मनिरीक्षण की नसीहत दे डाली। बोरा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को करारी हार पर गंभीर और सार्थक आत्ममंथन करने की जरूरत है। बोरा ने यह भी कहा कि उन्हें जानकारी है कि असम में बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी या टीएमसी में शामिल होने की तैयारी में है। बोरा ने कहा कि कांग्रेस के लिए ये बहुत ही जरूरी हो गया है कि वह उपचुनावों के नतीजों पर गंभीर और सार्थक आत्मचिंतन करें। असम में बीजेपी ने 3 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की तो वहीं 2 विधानसभा सीटों पर उनकी सहयोगी यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल यानी यूपीपीएल ने कब्जा किया। कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत सकी। जिन 3 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है उनमें से 2 पहले कांग्रेस नेताओं सुशांत बोरगोहेन और रूपज्योति कुर्मी के पास थी। इन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। दोनों को बीजेपी ने टिकट दिया और ये उपचुनाव जीत गए। बोरा ने कहा कि उपचुनाव के नतीजों के विश्लेषण से पता चलता है कि यह कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत चौंकाने वाला और विनाशकारी हार है। सांसद ने यह भी कहा कि उपचुनाव के नतीजे आमतौर पर सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में जाते हैं और यह 2016, 2017 और 2019 में 6 विधानसभा सीटों पर हुए नतीजों में भी दिखा, जब वह असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। हालांकि इन उपचुनावों में कांग्रेस आम चुनाव के मुकाबले वोट फीसदी बढ़ाने में सफल रही थी। यहां तक कि 2016 में हुए लखीमपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव में भी कांग्रेस 2014 के आम चुनाव के मुकाबले वोट बढ़ा पाई थी। बोरा ने कहा कि उस उपचुनाव के नतीजों ने पार्टी के कार्यकर्ताओं के मनोबल को गंभीर रूप से कम कर दिया है। 6 महीने के भीतर कांग्रेस के वोट में इतनी गिरावट हुई कि वह दुर्भाग्यपूर्ण है। सांसद ने यह भी कहा कि 2 विधानसभा क्षेत्रों थौरा और मरियानी में
कांग्रेस का प्रदर्शन पहले कभी इतना खराब नहीं रहा। रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह के निशाने पर कांग्रेस है और सामने विधानसभा का चुनाव। कैप्टन इसलिए खुश हैं कि कांग्रेस अब तक उनके ही मैदान में खेल रही है। कैप्टन एक पत्ता फेंकते हैं और पूरी कांग्रेस उसके पीछे दौड़ पड़ती है। कांग्रेस के बदजुबान प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और उनकी पत्नी नवजोत कौर का एक ही इरादा और लक्ष्य है कि वे पानी पी पी कर कैप्टन को खरी खोटी सुनाएं, और वे वही कर भी रहे हैं। मतलब कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस को अपने में इतना उलझा रखा है कि कैप्टन की इस सियासत को दिल्ली के कांग्रेसी नेता समझ रहे हैं और उसी हिसाब से रणनीतियां भी बना रहे हैं। कैप्टन की नई पार्टी को लेकर कांग्रेस बहुत चिंतित नहीं है। विधानसभा चुनाव में 4-5 महीने का वक्त है। ऐसे में किसी भी नई पार्टी को कांग्रेस, अकाली, आम आदमी पार्टी और भाजपा के विकल्प के तौर पर खड़ा करना आसान नहीं है। पर कैप्टन भाजपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं तो ये कांग्रेस की चिंता बढ़ा सकता है, क्योंकि भाजपा का शहरी इलाकों में गहरा असर है। किसान आंदोलन, भाजपा अकाली दल का गठबंधन टूटने और दलित मुख्यमंत्री के भरोसे कांग्रेस को पंजाब में सत्ता बरकरार रखने की उम्मीद है। पार्टी रणनीतिकार मानते हैं कि कैप्टन भले ही कोई सीट हासिल नहीं कर पाए, पर वह कांग्रेस के वोट में सेंध लगा सकते हैं। इसलिए पार्टी अभी से एहतियात बरत रही है ताकि चुनाव में बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हो। यही वजह है कि अधीर रंजन चौधरी जिस प्रशांत किशोर को बीजेपी का एजेंट बता रहे हैं और जो प्रशांत किशोर राहुल गांधी और कांग्रेस को लेकर सख्त टिप्पणी कर रहे हैं, उसी प्रशांत किशोर से चरणजीत सिंह चन्नी को चुनाव की रणनीति साझा करने की हिदायत दी गई है। प्रशांत पंजाब कांग्रेस के लिए फिर से चुनावी रणनीति बनाने के लिए तैयार होते हैं तो चुनावी रणनीतिकार के तौर पर उनकी वापसी होगी, क्योंकि कुछ महीने पहले उन्होंने ये काम करने से इनकार कर दिया था। कैप्टन इससे पहले भी कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी बना चुके हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद कैप्टन कांग्रेस से इस्तीफा देकर अकाली दल में शामिल हो गए थे, पर जल्द ही अकाली दल से उनका मोह भंग हो गया और 1992 में उन्होंने शिरोमणि अकाली दल पंथक का गठन किया। बाद में 1998 में इस पार्टी को कांग्रेस में विलय कर दिया, क्योंकि पंजाब की राजनीति में नई पार्टी बनाकर उसे स्थापित करना बहुत आसान नहीं रहा है। पंजाब में अकाली राजनीति के दिग्गज माने जाने वाले गुरचरण सिंह टोहड़ा, जगमीत बरार, सुखपाल सिंह खेरा, बैंस बंधुओं की लोक इंसाफ पार्टी और मनप्रीत बादल की पीपल्स पार्टी ऑफ पंजाब बनती रही, पर कोई पार्टी बहुत लंबे वक्त तक नहीं टिक पाई। बैंस बंधुओं की लोक इंसाफ पार्टी और मनप्रीत बादल की पीपल्स पार्टी ऑफ पंजाब बनती रही है और सभी पार्टियों का किसी न किसी बड़ी पार्टी में विलय करना ही पड़ा। ऐसे में कैप्टन की राह आसान नहीं है। रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया। क्रूज ड्रग्स मामले में आर्यन खान की गिरफ्तारी से राहुल गांधी काफी दुखी और परेशान हो गए। उन्होंने शाहरुख खान को चिट्ठी लिखी और कहा कि पूरा देश आपके और आर्यन के साथ है। राहुल गांधी ने लिखा था कि देश आपके साथ है। आर्यन खान के मुंबई के आर्थर रोड जेल भेजे जाने के 6 दिन बाद 14 अक्टूबर को राहुल गांधी ने शाहरुख खान को यह खत लिखा था। उस समय कोर्ट ने आर्यन को जमानत देने से इनकार कर दिया था। राहुल गांधी ने शाहरुख और गौरी को लिखा था कि सच को ज्यादा दिनों तक बंधक नहीं रखा जा सकता। राहुल ने पत्र में लिखा था कि ऐसी स्थिति में किसी प्रियजन को देखना आसान नहीं है। राहुल गांधी ने अपने पत्र में लिखा कि कोई भी बच्चा इस तरह का व्यवहार को डिजर्व नहीं करता। मैंने लोगों के लिए आपके द्वारा किए गए अच्छे कामों को देखा है। मुझे यकीन है कि उनका आशीर्वाद और सद्भावना आपके साथ रहेगी। मैं जानता हूं कि आप दयालु हैं और आपके समुदाय में सद्भावना पैदा की है, इसीलिए मुझे और आपके परिवार के लिए व्यापक समर्थन दिखाई दे रहा है। उन्होंने ये भी कामना की थी कि परिवार जल्द ही साथ हो। इस पत्र के बारे में कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि अगर ऐसा कोई पत्र लिखा गया है तो वह सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह राहुल गांधी और शाहरुख खान के बीच का व्यक्तिगत मसला है। 2 अक्टूबर को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने क्रूज पर छापा मारा था। इस मामले में संदिग्ध के तौर पर आर्यन खान, उनके दोस्त अरबाज और मुनमुन को पकड़ा गया था, जिसके बाद कोर्ट ने 2 बार आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज की थी। 28 अक्टूबर को आर्यन खान को हाई कोर्ट से जमानत मिली थी। 30 अक्टूबर को वो जेल से बाहर आए थे। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया।
नवाब मलिक के सारे पैतरे उल्टे पड़ते जा रहे हैं। जिस प्रभाकर साहिल के सहारे वे समीर वानखेड़े को रिश्वतखोर साबित करना चाहते थे, वह प्रभाकर साहिल शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी से 50 लाख की रकम ले बैठा। और जब इस बात का खुलासा हुआ तो समीर वानखेड़े नहीं पूजा ददलानी फंसती हुई दिखी। ठीक उसी तरह से नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस पर जिस ड्रग पेडलर नीरज गुंडे से संबंध का आरोप लगाया, वह नीरज गुंडे उद्धव ठाकरे का करीबी निकला। मतलब कि नवाब मलिक के पटाखे फुस होते साबित हुए। देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक पर पलटवार करते हुए कहा कि उनके संबंध नीरज गुंडे से हैं, लेकिन मुझसे ज्यादा तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ नीरज गुंडे से संबंध है। नवाब मलिक के आरोपों का जवाब देते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि नीरज गुंडे से संबंध है, हम इससे इनकार नहीं करते, लेकिन नीरज के बारे में सीएम ठाकरे से पूछें कि नीरज कई बार सीएम के घर गया है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि नीरज गुंडे के संबंध उनसे कम और मातोश्री से अधिक है। मातोश्री मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का निजी निवास है। देवेंद्र फडणवीस यही नहीं रुके, उन्होंने नवाब मलिक पर तीखा और जुबानी हमला करते हुए कहा कि जिनके संबंध अंडरवर्ल्ड के साथ हैं, वे उनके बारे में बात नहीं करें। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वे दिवाली के बीच जाने का इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद इस बात के सबूत देंगे कि नवाब मलिक के संबंध अंडरवर्ल्ड के साथ हैं। फडणवीस ने कहा कि नवाब मलिक ने दिवाली के पहले छोटे पटाखे से बड़ी आवाज करने की कोशिश की, उसकी हालत खिसियानी बिल्ली खंभा नोची जैसी है। नवाब मलिक याद रखें कि उन्होंने फुलझड़ी जलाई है, अब दिवाली के बाद मैं बॉम्ब फोड़ूंगा और उनके अनवर्ल्ड से क्या संबंध है इसका खुलासा जल्द ही करूंगा। आपने शुरुआत की, इसे अंत तक मैं लेकर जाऊंगा। महाराष्ट्र में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कार्रवाई के बाद राजनीति बहुत तेज हो गई है। एनसीबी ने नवाब मलिक के दामाद के ऊपर नशे के कारोबार में शामिल होने के आरोप लगाए थे और इन आरोपों की वजह से नवाब मलिक के दामाद को लगभग 8 महीने तक जेल में रहना पड़ा था। दामाद के बाहर आने के बाद नवाब मलिक ने एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े पर आरोप लगाए थे कि वे जानबूझकर उनके दामाद को फंसा रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।